नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं, आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। इस देश का हर बच्चा बच्चा ये जानता है, ईश्वर का हर रूप, आदरणीय सभापति जी, ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देवी देवताओं का पान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईश्वर के रूपों का इस प्रकार से खेल, आदरणीय सभापति जी, ये देश कैसे माफ कर सकता है। आपातकाल इमरजेंसी का 50वां वर्ष है। इमरजेंसी के खातिर, तानाशाही मानसिकता के कारण देश पर थोपा गया तानाशाही शासन था, और कांग्रेस क्रूरता की सभी हदें पार कर चुकी। सिंपति हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेरा फेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं, इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है, और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है ये परजीवी उसी को ही खाता है।